ये दुर्योधन नामक पात्र कौन है, जरा समझिए इसको। ये दुर्योधन मरा नहीं है, अभी भी जीवित है। आपके आस पड़ोस में मिल जाएगा आपको, खोज के तो देखो कौन है दुर्योधन, जिन्हें अपने सुख से, अपने दुख से दुखी ना होकर दूसरे के सुख से दुखी है, वही दुर्योधन है। जिसको इस बात का कष्ट ना हो कि मेरे पास खाने के लिए दो समय का भोजन नहीं, उसको इस बात का कष्ट है सामने वाला 56 भोग कैसे खा रहा है, वही दुर्योधन है, वही दुर्योधन है। इन कथाओं के संकेत को आप जीवन में धारण करिए, समझिए। एक व्यक्ति था, ब्रह्मा जी की आराधना की आप ही के बगल में पुष्कर में, यहीं आराधना करने आया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी ने कहा वैसे मेरी कोई पूजा करता नहीं, आराधना करता नहीं, जैसे तैसे ले दे के एक भक्त मिला है। और कलयुग का आदमी है, एंटीबायोटिक वाला ज्यादा इंतजार इस पर होता नहीं, एक ही साल में प्रकट हो गए। ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो, लेकिन सुनो, वरदान तो दूंगा लेकिन एक शर्त पे दूंगा। क्या? पड़ोसी की संपत्ति से, दुख से, पड़ोसी के वैभव से तुम आकर्षित होकर मेरा तप करने के लिए आए हो। यदि पड़ोसी इतनी संपत्ति नहीं कमाता, धन नहीं कमाता, तुम कमी नहीं आते, यानी कि तुम्हारे तप में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी उसकी भी है। इसलिए जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जितना भी मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, क्योंकि उससे आकर्षित होकर तुम मेरे पास आए हो। मांगो। अब कलयुग का आदमी सोचने लगा है तो गड़बड़ हो गई, उसको नीचा दिखाने के लिए तो तप करने आया था, अब सोच रहा है एक बंगला मांग लिया तो दो पड़ोसी को मिल जाएंगे, एक उसके पास पहले से है, उसके पास तीन, मेरे पास एक, फिर भी गड़बड़। एक गाड़ी मांगी तो पड़ोसी को मिल जाएंगी, दो उसके पास पहले से है, उसके पास चार, मेरे पास एक, फिर भी गड़बड़। यहां तक तो फिर भी ठीक है। एक घरवाली मांगी दो पड़ोसी को मिल जाएंगे, एक उसके पास पहले से है तो वाके पास तीन, मेरे पास एक, क्या करूं। कलयुग का आदमी दो मिनट सोचा और आंख बंद करके फिर चुपचाप ना हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज ब्रह्मा जी, अब मैं जो मांगूं उससे दुगना मेरे पड़ोसी को दीजिएगा, मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी बोले आखिर बुद्धि पलट कैसे गई। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो मांगो बेटा, तो कहा ब्रह्मा जी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा करके एक काम कर दो, मेरी एक आंख फोड़ दो। क्या कर दें? बोले मेरी एक आंख फोड़ दो। बोले क्यों? बोले महाराज मेरी एक फूटेगी ना, लेकिन मेरे पड़ोसी की तो दोनों फूट जाएंगे, दोनों फूट जाएंगे। तो कलयुग का व्यक्ति दुर्योधन वही है जो खुद के दुख से दुखी ना होकर सामने वाले के सुख से दुखी है, वही दुर्योधन है।